Hello everyone, you are Jacob Boy, Mr. Ghaffar Khan once again. Welcome back to your YouTube channel. इस बार मैं आपको एक नई कंट्री में लेके जा रहा हूँ, जिस कंट्री को बोलते हैं कंट्री ऑफ पिरामिड्स, जिसका नाम है इजिप्ट। तो जनाब, हमने अफ्रीका की कुछ कंट्रीज आपको दिखाई और उसके बाद हम सीधा इजिप्ट आ गए, वो जो कि वो भी एक अफ्रीकन कंट्री है। अभी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं, इजिप्ट के बारे में जानते हैं क्या क्या है यहाँ पे और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा और क्या क्या इसके अमेजिंग फैक्ट्स हैं। सो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अब्दुल गफ़ार खान है, मैं एक वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ, दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ। अगर आप लोगों को भी दुनिया देखनी है तो जुट जाइए गफ़ार व्लॉग्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और फेसबुक पेज पे भी फॉलो करके, सारे के सारे नाम गफ़ार व्लॉग्स से ही हैं। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं और इंट्रोडक्शन करते हैं इजिप्ट को लेके। तो इजिप्ट का ऑफिशियल नेम है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, जिसमें 10 करोड़ की पॉपुलेशन, 10 करोड़ ऑलमोस्ट 100 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन है इजिप्ट में, जिसमें 43% लोग हैं जो सिटी में रहते हैं, 57% हैं जो लोग विलेजेस में रहते हैं। 57% ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि लोग मैक्सिमम विलेज में रहना पसंद करते हैं। उसके बाद अगर हम रिलीजन की बात करें, 90% प्लस मुस्लिम्स हैं यहाँ पे और ऑलमोस्ट 10% के आसपास क्रिश्चियंस और बाकी के कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम बात करें कि ये जो इजिप्ट कंट्री है, इसका मैक्सिमम पार्ट है जो अफ्रीका में है और कुछ पार्ट है जो इसका एशिया में है। और अगर हम इस कंट्री की कैपिटल की बात करें तो इस कंट्री की कैपिटल है कैरो और इसको बिग सिटी ऑफ अफ्रीका भी माना जाता है। इस कैरो सिटी के बीचों बीच नील नदी भी फ्लो करती है। और अगर हम इसकी करेंसी की बात करें, अगर हम इजिप्ट की करेंसी के बारे में बात करते हैं तो इजिप्ट की करेंसी है पाउंड, इजिप्शियन पाउंड कहते हैं उसको। और अगर हम कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें इजिप्ट के, आपको ये जो कैलेंडर दिखता है जिसमें हमारे 12 मंथ्स हैं और उन 12 मंथ्स में डिफरेंट डेज होते हैं, जैसे कि जैन में 31 डेज, फेब में 28 डेज, मार्च में 31 डेज और हर एक महीने में डिफरेंट डेज रहते हैं। ये कैलेंडर बनाया गया था इजिप्ट के द्वारा और ये कैलेंडर बनाने का रीज़न ये था कि ये जो रिवर नील है ये कैरो सिटी के थ्रू जाता है और इनको जो भी नील की जब जब बाढ़ आती थी और इन लोगों को प्रॉब्लम्स रहती थी, तो इसलिए उन्होंने ये कैलेंडर बनाया था याद रखने के लिए कि इस टाइम पे बाढ़ आती है, इस टाइम पे हमें ध्यान रखना है। चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने 365 डेज़ का एक कैलेंडर बनाया और 12 मंथ्स दिए। और अगर हम वेदर की बात करते हैं, अप्रैल टू अक्टूबर से लेकर ये वेदर हॉट रहता है यहाँ पे इजिप्ट में और नवंबर से लेकर मार्च तक वेदर कोल्ड रहता है। और अगर हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ तो आपको सुन के बहुत हैरानगी होगी कि अगर यहाँ पे राजा की डेथ होती थी बहुत पहले, अगर यहाँ पे राजा की डेथ होती थी तो राजा के साथ साथ उसके जो नौकर होते थे उनको भी दफनाया जाता था। रीज़न उनका ये था, वो ये मानते थे कि जब जब किसी भी इंसान की डेथ होती है तो वो ज़िंदा होता है, जस्ट उसकी मूवमेंट है जो कुछ नहीं होती है लेकिन उसकी रूह ज़िंदा रहती है, इसलिए नौकर को वो ज़िंदा दफनाते थे इन द सेंस उसको अनकॉन्शियस करके किसी तरीके से उसके हेड को हिट करके उसको भी राजा के साथ दफनाया करते थे। और रीज़न ये रहता था कि राजा के साथ साथ ये नौकर राजा को सर्व करेगा। फिर उसके बाद अगर और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, आजकल आप देखते हो जितनी भी एंगेजमेंट्स होती हैं, शादी की एंगेजमेंट्स होगी, उसमें जो रिंग पहनाई जाती है और ये जो फिंगर सेलेक्ट की जाती है ये भी इजिप्ट के द्वारा हुई है। और उसके बाद अगर आप ये परफ्यूम आजकल आप डालते हो, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो ये जो परफ्यूम आप डालते हो ये भी इजिप्ट के द्वारा ही इसको इन्वेंट किया गया, क्योंकि इजिप्ट का ये मानना था, इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि अगर आप अच्छे दिखते हो तो आप खुश रहोगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। और अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो इजिप्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को इजिप्ट में विज़िट करना है तो आप कैसे इजिप्ट पे विज़िट कर सकते हैं, अगर आप इंडिया से मुझे देख रहे हैं तो आप लोग ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ई वीज़ा के थ्रू आप इजिप्ट आ सकते हैं।
वैसे तो इजिप्ट के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी मेंशन किया गया है वहाँ पे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप कभी भी यहाँ पे इजिप्ट पे आएँ ई वीज़ा के साथ इजिप्ट में आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल आप लेंगे तो दैट कैन बी द प्रॉब्लम फॉर यू। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ई वीज़ा के साथ ही आप यहाँ पे एंट्री करें। आज हमारी एंट्री हो गई है यहाँ पे इजिप्ट में। आगे इस सीरीज में आपको इजिप्ट के व्लॉग्स मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, लाइक कमेंट ज़रूर, और इजिप्ट सीरीज को एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें। और इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमेशा देता हूँ, अभी भी दूंगा, कि अपने बच्चों को फ्यूचर की इम्पोर्टेंस बताएं, उनको दारू, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सारी गंदी आदतों से बचाएं।